हैं स्ट्रेंथ के, लिटरली मीन्स स्ट्रेंथ, और इसके इस्तलाही या टेक्निकली मीन्स क्या है, द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द साउंड. डिसकंटिन्यूएशन इसमें भी क्या होगा, आपका सांस जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा. वाइल प्रोनाउंसिंग द लेटर कॉजिंग इट टू रिलाय ग्रेटली ऑन इट्स मखारिज. इसमें भी क्या होगा कि आवाज आपकी यानी आपका जो सांस है वो कंटिन्यू नहीं होगा जब आपने लेटर को प्रोनाउंस करना है और इसको आपने मजबूती से या स्ट्रेंथ या सख्ती से पढ़ना है. अब इसको देखते हैं सिफ्त शिद्दत, इसका जो शिद्दत है इसका मतलब क्या है, कुव्वत की वजह से आवाज का सख्त होना, कुव्वत की वजह से आवाज का सख्त होना. और हरूफ शिद्दा कितने हैं, आठ हैं, हरूफ शिद्दा आठ हैं. अब आपने अगर कलकला लेटर्स अगर आपको सबको आते हैं, कुतुब जद्दीन कौफ तोबा जीम दाल, तो वो हम अलग कर लेते हैं. कुतुब जद्दीन कौफ तोबा जीम दाल, और बाकी दो तीन लेटर बचते हैं, एक हमजा है और काफ और ता है. तो ये टोटल देखें कितने हैं, 5, 6, 7, 8, ये टोटल 8 लेटर हैं, 5 कलकला लेटर्स और बाकी रेस्ट जो है वो 3 हमजा काफ एंड ता, हमजा काफ एंड ता, टोटल कितने हैं, 8 हैं. अब इसमें इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इन हरूफ को अदा करते वक्त उनके मखरज की आवाज कुव्वत से ठहरती है और सख्त हो जाती है. जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो क्या होता है, उसका जो ओरिजिन है, उसका मखरज है, उसकी आवाज कुव्वत से स्ट्रॉन्गली आप फील करते हैं और सख्त हो जाती है. अब इसमें 5 लेटर्स कलकला के, बाकी 3 जो है वो इसके ऑपोजिट कह लें, ये टोटल 8 हैं. अब इसकी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो क्या होगा, पहले इसमें अगर आप देखते हैं हमजा को लेते हैं, फर्स्ट लेटर क्या है, हमजा, इससे पहले बा फथा हमजा सुकून, तो क्या होगा, बा 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 बा, इसको आपने झटका देना है बा. अब आ की साउंड जो ना आ आ, आप देख रहे हैं इसमें सख्ती आ रही है बा आ आ. इसी तरह ता ता, शिद्दत यानी सख्ती आ रही है था जा. इसी तरह से अगर आप इसको एग्जाम्पल में पढ़ते हैं तो क्या है, मा कूल मा मा मा. अच्छा, इसमें आप देखें कि जब आप मा कर रहे हैं तो आपका सांस कंटिन्यू नहीं हो रहा, मा आप देख रहे हैं सांस कंटिन्यू हो रहा कोई, मा आप अगर मेरे पीछे बड़े म्यूट ही रखें, मा आप देखें आप कोई एयर फ्लो फील नहीं करेंगे, अपना हाथ अगर आगे रखें मुंह पे तो अपना आपका जो सांस है वो कंटिन्यू नहीं होगा, मा मा, सांस फौरन टूट जाएगा लेकिन आवाज में हमजा में सख्ती होगी, स्ट्रोंग नजर आ रहा है आपको, मा मा कूल मा कूल. ठीक है, इसी तरह से कौफ तौबा जीम दाल. अब इन 5 लेटर्स जो हैं इनमें सिफ्ते जहर भी पाई जा रही है. जहर आपने पहले पढ़ा था कि जहर किसको कहते हैं, इसमें सिफ्ते जहर भी, आप अगर वहां पे भी देखें जहर में तो ये 5 लेटर्स मौजूद हैं. अगर आपने वो लेटर्स देखे हैं तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें हरूफ़े मजहूरा, इसमें बा जीम दाल, ठीक है, और इसी तरह से इसमें तौ भी है, कौफ भी है, और जी ये क्या बन गया, कौफ तौबा कुतुब हो गया, जीम और दाल जद. ये 5 लेटर्स हरूफ मजहूरा में भी पाए जा रहे हैं. तो मजहूरा क्या था कि आपने वाज अपना जो सांस है, आपने सांस जो है उसमें कुव्वत आएगी और सांस जारी नहीं रहेगा, ठीक है, आवाज में बुलंदी होगी, हैवी होगी, लेकिन अपना सांस जो है वो ब्रेक करना है, कंटिन्यू नहीं होगा. अब देखें कि यहां पे जो आप पढ़ रहे हैं इसमें सिफ्ते जहर भी है, शिद्दत भी है,
और कलकला भी है। इसमें तीन क्वालिटी पाई जा रही है, थ्री क्वालिटीज, जहर, शिद्दा या शिद्दत और कलकला। शिद्दत क्या था? स्ट्रॉन्गनेस, हैवी, और कलकला भी है। ये तीन, आप ये ना सोचेगा एक ही लेटर उसमें तीन क्वालिटीज कैसे आ जाती हैं, एक लेटर में चार भी क्वालिटीज होती हैं, पांच भी क्वालिटीज होती हैं। अब इस इनमें, इन फाइव लेटर्स में, यानी कुतुबुज्जद, यकाफ, तोबा, जीम, दाल में यहां पे थ्री क्वालिटीज हैं। नंबर वन इज जहर, नेक्स्ट इज शिद्दा, और थर्ड इज कलकला। अब देखें कि हरूफ शिद्दा की जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं हमजा फतहा काफ अक अक, अब पहले इसमें शिद्दा हम देखते हैं फिर इसमें कलकला पाएंगे। अगर आप इसको कलकला के बगैर पढ़ते हैं तो क्या होगा, हमजा फतहा काफ अक अक, कलकला नहीं कर रहे, बगैर कलकला के पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, सख्ती आ रही है ना काफ में, अक, आप सांस भी टूट रहे हैं, सांस को आपने कंटिन्यू नहीं रखना, ये इसमें शर्त है। अक अक, अब काफ को पढ़ना मुश्किल था, अक अक अक, लेकिन यानी देखें कि काफ सख्ती से हो रहा है अक, लेकिन हम इसको शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं, कलकला भी नहीं कर रहे। अब जब इसको पढ़ना मुश्किल था तो इसकी वजह से इसको रिलीज करना पड़ा, इस पर कलकला करना पड़ा, तो क्या बन गया, अक अक क क क, लेकिन आपका सांस जो है वो कंटिन्यू, आपका एयर फ्लो नहीं है, अक अक। अगर आप एयर फ्लो करते हैं, अपना सांस जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं, तो फिर क्या होगा, अक अक, यानी आपका सांस, लेकिन ऐसा नहीं है, सांस को आपने रोकना है और कलकला भी देना है और शिद्दत भी करनी। पहले शिद्दा क्वालिटी होगी, देन कलकला होगा। शिद्दा क्या था, अक क, देन कलकला, अक क अक क, फर्स्ट शिद्दा अक, देन कलकला क, अज अद अक अप अब। लेकिन आपने जब इसको जल्दी पढ़ना है, मिला के पढ़ना है, फिर क्या होगा, अक अज अद अक अब। ठीक है, इसमें दो क्वालिटीज इस तरह से आ गई, पहले शिद्दा फिर कलकला। अब बाकी रहा काफ और ता, तो काफ और ता में देखें, इसमें पहले सिफ्त क्या है, शिद्दत है, फिर हम्स भी। अगर आप हम्स के लेटर आपने लिखे होंगे तो उसमें क्या था, काफ और ता भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर लेटर्स को पढ़ते हैं, लेटर्स क्या है, फाहसाहू शख्सुन, फाहसाहू शख्सुन बाकत, बा काफ ता। अब वहां पे काफ और ता दोनों हैं हम्स के लेटर्स में, तो पहले सिर्फ शिद्दा है और उसके बाद हम्स है। शिद्दा कैसे है, आप जब लेटर को पढ़ते हैं, हमजा फतहा काफ अक अक, अब काफ को पढ़ना क्या है, अक, जब हम कहते हैं अकबर, अगर कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अक क्या है, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, हैवी हो रहा है, काफ में स्ट्रॉन्गनेस पाई जा रही है, अकबर।